एक किसान था और उसकी पत्नी थी। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था। उसी दिन अचानक, हाँ, ये क्या है? घड़ा? खोलकर देखो इसके अंदर क्या है। ये क्या? इतना मोहर? इतने दिन से हम बहुत गरीब थे और आज इतना मोहर मिल गया मुझे। अब हमारे दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन मेरी पत्नी, उससे तो कोई बात नहीं पचती। सबसे बोलेगी और राजा सुन लेगा, सब कुछ छीन लेगा। फिर से हम गरीब हो जाएंगे। अगर इसे बाहर रखूंगा तो कोई चोरी कर लेगा, और घर में रखूंगा तो पत्नी सबको बोल देगी। क्या करूं? एक रास्ता है, जा रहा हूं, वही करता हूं। बस काम हो गया। उधर जाल में खरगोश फंसा है। पानी में डाल दिया इसे। अब घर चलता हूँ। सुनती हो सुंदरी? वो सुंदरी, क्या हुआ जी? जानती हो, पंडित जी से एक बात सुना हूँ। क्या बात सुने हैं? आज पंडित जी बोले हैं, मछली लटकती है पेड़ पर, पानी में खरगोश नाचे, गुप्त धन मिलेगा तुम्हें ढूंढने से आस पास में। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, सच में जो पंडित जी बोलते हैं सच होता है। जाइए जाइए, बकवास ना करके काम कीजिए। ठीक है, जा रहा हूँ। सुंदरी जल्दी चलो, एक खरा मोहर मिला है मुझे। क्या? चलिए चलिए, जल्दी चलिए चलिए। दोनों जल्दी जल्दी गए उस पेड़ के नीचे मोहर लाने। उसी वक्त अचानक, हाँ, उस पेड़ के डाल पर कुछ चमक रहा है। रुको, देखता हूँ। ये क्या? पेड़ के डाल पर मछली? ये कैसे जी? आओ, नदी में जाल डाला था, चल के देखते हैं। ये क्या, जाल में खरगोश? ऐसे कैसे? क्यों, पंडित जी की बातें विश्वास करोगी ना? लो लो, अब चलो मोहर लेके घर चलते हैं। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी मोहर लेके घर गए। कितना सारा मोहर! मैं बहुत ही महंगे महंगे कपड़े खरीदूंगी, गहना बनाऊंगी, रोज रोज मिठाई बिरयानी खाऊंगी। ज्यादा जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन उस किसान की पत्नी के पेट में कोई बात नहीं पचता था। वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दी मोहर के बारे में। धीरे धीरे राजा के कान तक भी पहुंच गया और राजा चासी को बुला के बोला, ये क्या महाराज? आप तो जानते हैं मेरी पत्नी का दिमाग ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ बकती रहती है। महाराज, सुना हूँ कि तुम मोहर पाके छुपा के रखे हो और अपनी पत्नी को झूठी बोलते हो। कौन सा मोहर? कब मिला? कहाँ मिला? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता। उस दिन का बात, जब पेड़ के डाल पर मछली था और खरगोश पानी में फंसा जाल में, उस दिन का बात।
इस पागल को लेकर घर जाओ। सुनो, दोबारा कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगे तो सजा दे दूंगा। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी घर वापस चले गए। राजा की सजा के डर से किसान की पत्नी मोहर के बारे में किसी को नहीं बोली। बटलू भैया, बटलू भैया आओ, बटलू भैया, बटलू भैया आओ। ओ तुम लोग आए हो, बैठो बैठो। बटलू भैया, बहुत दिन से मछली नहीं पकड़े हैं, चलोगे क्या? हाँ ठीक बोल रहा है, बेड़ा भी बंद कर रहा है जाने का। चलो फिर आज ही चलते हैं अभी। बट इतना चिंता क्यों कर रहा है? बटलू भैया आए ना, आओ। हम लोग तालाब के उत्तर दिशा में चलते हैं, आओ। वहाँ पे सन्नाटा है, वहाँ पे ज्यादा मछली आएंगे, आओ। अरे चल फिर वही चलते हैं। मगर बटलू भैया वहाँ तो समझा नहीं आ। बटलू भैया मजाक मत करो, अगर भूत लोग चिढ़ जाएंगे तो हम लोगों को फिर छोड़ेंगे नहीं, आओ। तुम लोग चुप रहो तो, हाँ तुम लोग शोर मत मचाओ, उल्टा उल्टा बात मत करो, बात करोगे तो मछली पकड़ना बंद हो जाएगा। उन्हें पकड़ेंगे, हम लोग खाएंगे, उसके बाद पूरी रात मैं उन लोगों का खून चूस के पीऊंगा, चूस के पीऊंगा। उसमें देखता हूँ एक मोटा तगड़ा आदमी आए हैं, उसमें खाने में जो मजा आएगा ना। बटलू भैया मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं भूत मछली नहीं ना ले रहा है। अरे चुप, इतना चिंता क्यों कर रहा है, चुपचाप बैठ जा, इस बार मैं जरूर पकड़ लूंगा। देखिए आटा खाने के लिए कितनी मछलियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं। अरे मैं तो बहुत सारा मछली पकड़ लिया हूँ, तुम लोगों को तो पकड़ना ही नहीं आता है। आओ यह देखो तारी मतलियाँ कहाँ चली गई, आओ आओ देख लिए, तारी मतलियाँ फिरते पानी में चली गई, आओ आओ। आप पानी के साइड में रखते थे शायद, आपको थोड़ा दूर रखना चाहिए, आओ। बक अरे सारा मेहनत बेकार हो गया, अरे ससुआ का बच्चों कहाँ मर गए। अरे समझ में आ रहा है बच्चू, मामला बड़ा गंभीर लग रहा है, फिर से मेरा मछली गायब हो गया, कहीं लोमड़ी ओमड़ी इधर नहीं ना घूम रही है। बहुत अच्छा।
फटाफट पकड़ में फटाफट। अरे अरे इस बार मैं खाऊंगा। यह जगह बड़ा अजीब गरीब लग रहा है बाटलू भैया, पता नहीं क्यों मेरा दिल धक 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 कर रहा है। आओ नंदू सबका। अरे बक पागल है, अरे सुनसान है तो अच्छा है, मछली फटाफट पकड़ रहा है ना। बटलू भैया बचाओ 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 बचाओ। दिखाता हूँ। बचाओ बच। अरे अरे ये तो पेड़ पे बैठे बैठे मेरा सारा मछली खाए जा रहा। अरे ये तो पेड़ पे रहने वाला मछली वाला भूत है, रुक अभी चखाता हूँ भैया। बाढ़ मछली वाला भूत खाए जा रहा है क्या मछली? भाग यहाँ से पेड़ छोड़ के। क्या बड़ी जाड़ है? मुझे मार देगा, मार देगा, फिर से खींच के ऊपर है। अरे अरे तुम सब आओ, बचाओ मुझे, बचाओ। कहाँ है तुम लोग? आओ सब आओ, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मार जाएगा। अरे ये ले और ये भी ले ले। मैं किसके पल्ले पड़ गए हूँ? दो मछली खाने के लिए ओनली। अरे बाप रे। बेड़ा पकड़ा हुआ मछली खा के हजम करूंगा। अरे यहाँ से भगाड़े का व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। अरे ये क्या हालत हो गई है तुम लोगों की? ए यार मुझे भी बचाओ। आओ बचाओ, मेरे को घर जाना है। बचाओ आओ 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 जा, बचाओ जल्दी बचाओ, मेरे को घर जाना है। अरे यार। अरे उठो उठो, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब बेफिक्र होके मछली पकड़ सकते हो। आओ भूत भूत भूत, अरे यार मुझे भी घर जाना है, जल्दी आओ आओ। अरे भूत भूत, अरे बचाओ, मेरे को घर जाना है। अरे चुपचाप चल मछली पकड़ने, जब शाम हो जाएगा तब घर जाएंगे। आओ बटलू भैया, इतना सारा मछली पकड़ लिया है और हम दोनों मिलकर सिर्फ एक झींगा मछली। आओ। अरे यार बटलू भैया को तो भूत का डर ही नहीं है, इसलिए तो इतना मछली पकड़ लिया है। इससे क्या। Thank you.
एक वन में बच्चा खान के नाम से एक बाघ रहता था और जोनी के नाम से एक लोमड़ी रहता था। बाघ शिकार करता था और लोमड़ी प्रसाद खाता था। ऐसी उनकी जिंदगी कट रही थी। सर, देख रहे हैं कौन आ रहा है? क्या बता सकते हैं कितने किलो का होगा ये? अगर आप इसका वध कर पाए तो हम लोगों का बहुत दिन तक का खुराक ही चल जाएगा। क्यों सर, क्या ख्याल है बताइए? आइडिया अच्छा दिए हो, कुछ करता हूँ। मैं तेरा खून पीऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या? फिर एलो। सर, ये क्या हालत हो गई आपकी? आप तो उठ के खड़े नहीं हो पा रहे हैं। शिकार कैसे करेंगे? मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, इतना मर कभी नहीं खाया। हाँ हाँ, वो तो मैं लाइव ही देखा हूँ। अभी आप अपने चेहरे की अवस्था देखिए, कुछ दिन से ना खा के आप सूख गए हैं। ज्यादा बकवास मत करो, यहाँ से जाओ और जाके किसी जानवर को यहाँ पे ले आओ, मैं उसे मार के उसे खाऊंगा। यस सर, आप टेंशन मत लीजिए। घूमते घूमते जोनी एक गांव में पहुंचा। वहां पे देखा एक गधा जलाशय के पास घास खा रहा था, जिसका नाम था लंबे कान वाला। अरे देखो, ऐसा बेवकूफ जानवर और कहाँ मिलेगा मुझे? जा रहा हूँ, इसी को सर के पास ले जाऊंगा। इससे पहले मैं जाके उसका दिमाग खाता हूँ। नमस्ते मामा, बहुत दिन बाद मिले हैं। आप इतने पतले क्यों हो गए हैं? क्या बोलूं मैं दोस्त, मेरा मालिक मुझसे दिन भर काम करवाता है, कुछ खाने को नहीं देता, इसलिए मैं तो गंदे गंदे घास खाता हूँ, इसलिए पतला हो गया हूँ। सच में मामा, आपकी तकलीफ मुझसे सही नहीं जा रही है। आप यहाँ पे क्यों हैं? चलिए हमारे साथ वन में, वहाँ पे नदी के किनारे बहुत लंबे लंबे घास है, सुख किसे कहते हैं, चलो हम लेके चलते हैं। तुम ठीक बोल रहे हो, मैं अगर वहाँ गए तो शेर बाघ मुझे काट खा जाएगी। मैं पालतू जानवर हूँ। नहीं नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। मुझे पता है वहाँ काम नहीं है, पर जान भी नहीं रहेगा। क्या मामा जी, ऐसी बात मत कीजिए, देश हमारा है, वहाँ पे अधिकार भी हमारी है। चलिए हमारे साथ हमारे वन में। और हाँ मामा जी, मेरे पास एक गधी भी है, कुंवारी है, उसके लिए एक गधा चाहिए। क्यों मामा जी, शादी कीजिएगा तो फिर चलिए हमारे साथ। गधी कितने साल की है? 19-20। ठीक है, चलो, मुझे कोई चिंता नहीं है, अब तुम जहाँ भी ले चलो। मैं प्रेजेंट हूँ सर। शाबाश, अब देर किस बात की? हाँ, बचाओ, भागो। आप अटैक नहीं कर पाए, मुंह के सामने से निवाला चला गया क्या सर? सॉरी जॉनी, सॉरी, थोड़ा सा के लिए हाथ से फिसल गया। गुस्सा मत हो, अब गलती नहीं होगा, किसी और को पकड़ के लाओ। ठीक है, देख रहा हूँ। ऐसा बेवकूफ मामा मैं कभी नहीं देखा। ज्यादा मत बोलो, मेरा जान चला जाता। ओफ ओफ, वो बाघ तुम्हें प्यार से घर में लेके जाता, इसीलिए वहाँ पे खड़ा था, तुम वहाँ से भाग गए, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। सच में मुझसे गलती हो गई, मैं गलत समझ रहा था, ठीक नहीं हुआ है, फिर चलो चलते हैं, चलो चलो। प्रेजेंट सर, बेस्ट ऑफ लक। आइए आइए, चलिए चलिए। कहाँ ले जाओगे मुझे?
उस गधी के पास। चलिए चलिए। खेल खत्म। आकाशवाणी रेडियो, आज का खबर पढ़ रहा है संजीव राठौर। आज का विशेष समाचार यह है, हमारे देश के दो फाइटर, शत्रु पक्ष के दो फाइटर प्लेन को भगाकर बनगांव बॉर्डर पर तहस नहस कर दिया गया है। यह लेकर 12 शत्रु फाइटर प्लेन को तहस नहस कर दिए हैं। अपने देश के जवानों में से 4 जवान इस ऑपरेशन में अपने प्राण गंवा बैठे। हमारे देश के जवान शत्रु पक्ष के अड्डों पे घुसपैठ किए और अंत तक वापस आ गए। शत्रु पक्ष के पैटर्न टैंक के कारण वापस आ गए। पृथ्वी के टेक्नोलॉजी जानने वाला देश हमारे शत्रु को पैटर्न टैंक देकर उसका सहायता किया है। हमारे देश में ऐसे पैटर्न टैंक नहीं रखने के लिए न जाने कितने जवान शहीद हो गए। बिच्छू, तुम्हें क्या लगता है दुश्मनों के पास जो पैटर्न टैंक है उसके वजह से हम लोग क्या हार जाएंगे? अरे नहीं रे, इतना आसान है क्या? अरे तू जानता नहीं, हम लोगों ने उसके दो प्लेन पहले ही उड़ा दिए। आओ आओ, तो चिंता मत कर। अरे नहीं यार, अरे मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। एक काम करते हैं, हम बड्डू भैया के पास जाकर बात करते हैं। आओ, बिल्कुल ठीक बोला है। एक काम कर, अच्छा बात याद दिलाया है, जल्दी चलो बड्डू भैया के पास जाकर बात करते हैं, उनसे कुछ आइडिया मिल जाएगा। आओ। आओ बटलू भैया, आओ बटलू भैया, बटलू भैया आओ। बटलू भाई, बाटलू भैया, बाटलू भैया, आ बाटलू भैया, ओ बाटलू भैया, आज का खबर सुने हो? सुना है एक पैटर्न टैंक आया है जो हम लोगों के जवानों को फटाफट मार कर गिरा दे रहा है। आओ और ढिचकियाँ ढिचकियाँ करके तारे जवानों को गिरा दे रहा है। आओ। अरे ऐसा क्या है? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अरे तब तो देखना पड़ेगा। एक काम करो, चलो कर्नल साहब से बात करके देखता हूँ क्या हो सकता है। अरे और ये तो बहुत ही चिंता की बात है। हो रहा कर्नल साहब का घर। अरे चले, कॉलिंग बेल जला, जल्दी बजा। अरे बटलू, करेंगे या मरेंगे? अरे सुबह सुबह आज आ गए हो, क्या बात है? और मैं देख रहा हूँ कि दो चेलों को भी साथ में लेकर आए हो। आए, करेंगे या मरेंगे? हाय। अरे हाँ कर्नल साहब, एक बात पूछने आया हूँ। मैंने सुना है कि हम लोगों के जवान सारे मरे जा रहे हैं पेट्रोल टैंक के कारण, ये क्या सच है? हाँ बटलू, तुमने बिल्कुल सही सुना है, इसलिए तो मैं भी तैयार हो गया हूँ, देख लो, युद्ध पे जाने के लिए, क्योंकि करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे। हाय, पता नहीं लौट कर वापस आऊंगा भी या नहीं, मगर इस टैंक के वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि करेंगे या मरेंगे। अरे ठीक है कर्नल साहब, आप टेंशन ना करो, आपके साथ मैं भी युद्ध पे लड़ने के लिए तैयार हूँ और आपके साथ मैं भी चलता हूँ। बटलू, मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस टैंक के सामने मुकाबला करते वक्त अपने प्राण को मत गंवा देना। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो, या करेंगे या मरेंगे। हे गुरु, अब तो बड़ा मजा आएगा, अपने शत्रु पक्ष के सामने जब टैंक जब रहेगा तो अपना बड्डू उड़ जाएगा। तो यार कितना मजा आएगा। बहुत भगर 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 बड्डू किया करता था, लेकिन जब दुश्मन
अरे यार हम लोग आजाद हो जाएंगे, हम लोग जो इच्छा वही करेंगे, अरे यार हम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं होगा। आओ नहीं 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 ऐसा मत सोच यार, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि बटलू भैया परेशान करते हैं, लेकिन युद्ध में जाकर दुश्मनों के सामने हार जाएंगे यह बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बटलू भैया जो भी हो हम लोग के लिए बहुत मदद किए हैं, आओ कहीं ये सोच ले। आओ अरे नहीं 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 ऐसा बिल्कुल हमें नहीं सोचना चाहिए हाँ। क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान बटलू भैया युद्ध में विजय प्राप्त करके आए, अगर वो विजय प्राप्त करते हैं तो अपना देश का नाम रोशन होगा। हाँ ठीक है बच्चू बिच्छू, अरे तुम लोग घर जाओ, मैं कर्नल से बात करके युद्ध में जाता हूँ। ठीक है बटलू भैया, अरे विजय प्राप्त करके जल्दी घर वापस आएगा, हम लोग तुम लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कर्नल साहब नहीं यार, अरे बटलू भैया का बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। हाँ आओ नहीं 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 तू बिल्कुल चिंता मत कर, और ऐसा भी चिंता करने कोई बात नहीं है, क्योंकि बटलू भैया आज तक हार कर आए नहीं, देखना बटलू भैया विजय प्राप्त करके जरूर वापस आएंगे। आओ कर्नल साहब, शत्रु पक्ष के जो कर्नल है मैं उनसे पहले बात करके देखता हूँ, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग देखते हैं क्या किया जाएगा। ठीक है बटलू तुम सावधान होकर जाना, आए समझा, तो नहीं तो करेंगे या फिर मरेंगे। याद रखना बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम बटलू है, और आप लोग हमारे देश के जवानों को बिना मतलब के मार मार कर गिरा रहे हैं, अरे इससे तो आपका भी नुकसान हो रहा है और आप लोगों का भी नुकसान हो रहा है, अरे ये सब बंद करो। अरे तुम बटलू हो या फटलू मुझे कोई मतलब नहीं, और वैसे भी बटलू तुम यहाँ पर मुझे समझाने के लिए आए हो, बहुत बड़ी गलती कर दी बटलू। अरे कोई है, इस बटलू को टैंक में डालकर उसके ही इलाके में फेंक डालो, और ये तो वहां पहुंचेगा मगर जिंदा नहीं, राख बनकर, समझे। अरे बरखुदार ये काम मैं ठीक नहीं किया हूँ ये तुम बोलते हो, अरे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है पर मेरे लिए तो बिल्कुल ही लाजवाब। अरे ये तो किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा है बरखुदा। से ही हम लोगों का गोला वापस हम लोगों की तरफ आ रहा है, अरे बाप रे बाप मैं कहाँ जाऊँ। अरे टैंक से गोले चढ़ाने के बजाय उसके शरीर पे जल्दी से चलाकर मार दो, अरे छोड़ना मत उसे, अरे वरना क्या घटना घटाएगा ये कोई नहीं जानता साईं। अरे मैं जिंदगी में ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा, अरे जवानों जल्दी से गोली चला चला कर मार डालो इस शैतान को, बहुत बड़ा अच्छा है ना? अच्छा अभी तक समझ में नहीं आया है, सब लोगों मैं अभी तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ।
देगा। ये कैसा इंसान है, इससे अच्छा तो गोली खाने से पहले खुद मर जाओ। हे भगवान, बचाओ इस शैतान से, बचाओ। अच्छी बात रुको, देखो अब मैं क्या करता हूँ, और मुझे देख कर भागते हो, मैं कितना तुम भागोगे, भागो। मैं देखो घुमा घुमा कर कैसे देखता हूँ। मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ, मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ, मैं हवा में क्यों उड़ रहा हूँ। आए आए, मैं कैसे निकलूँ बाहर, अरे कोई मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो। आए अरे गाँव में एक ऐसा पैकेट है जो हवा में उड़ता है। कर्नल साहब, मैंने सारे शत्रुओं को पकड़ कर लेकर आ गया हूँ। इन लोगों को जो सजा देना है दो। अब ये हम लोगों के दखल किया हुआ जमीन पर हमारे ही जवान रहेंगे। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे करेंगे या मरेंगे। अरे बटलू, मैं तुम्हें क्या बोलकर धन्यवाद दूँ। देखो हमारे सारे सिपाही तुम्हें धन्यवाद देने के लिए तैयार है। हमारे समझे बटलू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और इतना अच्छा काम। कर्नल साहब, अरे ये देश के लिए मैं बहुत छोटा सा काम किया हूँ, और अपनी देश के काम के लिए कोई पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं। बस ये प्यार मुझे बनाए रखें। ए देखा, हम लोग का नाम रोशन करके आ गए। आओ, बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। आओ, बहुत अच्छा लग रहा है, आओ। हाँ बटलू, तुम तो ग्रेट हो, तुम लाजवाब हो, देश पे तुमको शान है। अरे बटलू समझे। अरे बटलू द ग्रेट, बटलू द ग्रेट, बटलू द ग्रेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो करेंगे और लड़ेंगे। बटलू इज द ग्रेट, बटलू इज द ग्रेट, बटलू इज द ग्रेट। और एक बार सभी को बोलना पड़ेगा, करेंगे या मरेंगे। हाय। करेंगे या मरेंगे। हाय। तो मुझे शर्मिंदगी में डाल दे रहे हैं। अरे थोड़ा सा देश के लिए क्या काम क्या कर दिया, ये तो इतना कुछ मेरे लिए करने के लिए तैयार हो गए। अरे दोस्तों, देश के लिए तो काम तुम लोग भी कर सकते हो। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ना, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ।